नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। तो यूपी में आज निकाय चुनाव का दंगल लगातार सुबह से ही जारी है, क्योंकि लगातार पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, जिसके लिए जनता मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है और वोटिंग परसेंटेज की तस्वीरें भी है जो अब साफ हो रही है। तो वहीं 9 मंडल के 37 जिलों में आज मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो निकाय चुनाव के रण में आखिर कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज लगातार प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है जनता कैद कर रही है, जिसका खुलासा 13 को हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले चरण के 9 मंडलों के साथ ही 37 जिलों में जो है मतदान डाले जा रहे हैं। लेकिन इस बार का निकाय चुनाव बेहद अलग है, क्योंकि जहां हर बार इस निकाय चुनाव को एक क्षेत्र का और शहर का बड़ा चुनाव माना जाता था, जिसमें तमाम कई अहम मुद्दों पर बात होती थी, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो क्षेत्र की परेशानियां हो, चाहे वो कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो। लेकिन इस बार निकाय चुनाव के जो मुद्दे थे वो भी काफी अलग थे, क्योंकि इस बार निकाय चुनाव के प्रचार में हर तरफ अतीक अशरफ हत्याकांड की गूंज सुनाई दी, हर एक तरफ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए। तो वही जो सपा की सरकार थी, जो सपा के नेता थे, वो लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए, जबकि ये निकाय चुनाव क्षेत्रीय समस्याओं का चुनाव माना जाता है। लेकिन इस बार भी अतीक अशरफ हत्याकांड पर ही बात हुई है, और जो क्षेत्रीय समस्या है उस पर कोई भी पार्टी का प्रत्याशी बात करता हुआ नजर नहीं आया। तो 9 मंडल के 37 जिलों में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो जौनपुर में अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो प्रतापगढ़ में 1 बजे तक 31.43% मतदान हुआ है। तो 6 घंटे की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई दी है। तो चंदौली में 1 बजे तक 36.72% ही मतदान हो पाया है। कुशीनगर में 35.39% मतदान हुआ है। तो लगातार हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ सुहानी जुड़ी हुई है। सुहानी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, पहले इस बारे में हमको जानकारी दीजिए। हम कैपिटल कॉन्वेंट स्कूल जानकी चौक पर मार्च हो रही है। हम देख सकते हैं सुबह से जो शुरू हुआ है वो अब दोपहर का हो गया, लेकिन फिर भी लोगों की सांसें लगी हुई है। हम चाहेंगे हमारे कैमरा अगर दिखाए कि किस तरह से जो लोग है आपको बता दें कि इस बार जो मतदाता है वो 2.40 लाख जो मतदाता पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का जो चुनाव हो रहा है वो आ गया है। और यहाँ पे बता दें आपको कि सिर्फ महिला पुरुष के लिए कि बुजुर्ग चाहे बच्चे हो तमाम यहाँ पे देखने के मिल रहे हैं, और एक किसी ने जो अपने आके यहाँ पे अधिकार को लेके वोट दे रहे हैं। और साफ तौर पर देख सकती है कि अभी भी किस तरह से जो यहाँ की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो तमाम जो लोग हैं अपनी अधिकार की वोट दे रहे हैं। अब बता दें आपको कि 10 नगर निगम में 37 जिलों में इस बार जो चुनाव वोट हो रहा है तो उसके लेकर कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो भी पूरी तरह से इसे सुरक्षा के साथ ये जो है चुनाव करा रही है। इस वक्त मतदान स्थल के बाहर मौजूद और तकरीबन 6 घंटे से ये मतदान लगातार जारी है, तो जो लोग है वो किस तरीके से मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं? जी, मैं बता दें मुस्कान आपको कि यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे जो आप देख सकती हैं यहाँ पे जो युवा है उन्होंने भी अपने पेरेंट्स के साथ चुनाव वोट देने आए हैं। उसके बाद करते हैं कि किस प्रकार से क्या सोच समझता है। मैम आप देखो कुछ एक युवा है और चाहे लेकिन युवा को हमें देश का एक अलग माना जाता है अधिकार, तो क्या सोच रहे हैं आप चुनाव देने आए हैं? ये तो हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हम सुधार करने के लिए हम तो किस तरह से क्या क्या आपके वार्ड में ऐसी समस्या लेकर आ जाती है की अच्छा प्रत्याशी एक अच्छा पार्षद हमारे वार्ड के लिए आए तो हमारे रोजमर्रा की चीजों में सुधार ला रहे। हाँ, मुझे लगता है हम लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में काफी बातें कर ली है, जो है यहाँ पर हमारे जो कंटेस्टेंट है उनको भी पता चल गया है। आई थिंक टाइम आ गया कि सोल्यूशन के बारे में ज्यादा बात करते हैं। प्रॉब्लम बार बार मैं रिपीट करूँ तो कुछ खास फायदा होगा नहीं, अगर कोई हल उनके लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी आज आए हैं वोट देने अपने अधिकार को सही पार्षद की बात हो जाने के लिए, तो क्या समझदार
आप आज आए मेरे तो जिसका नाम है मैंने वोट डाल दिया, लेकिन उनके नाम और ये शायद किसकी कमी हो या किसकी कमी है या किसी शासक की कमी, ये चीज नहीं। हमारा मोबाइल ले लो, ठीक आ रही है। तो ठीक है, मैं सुहानी के पास वापस जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार जो निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और वोटिंग का दौर लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक जो जनता है वो मतदान स्थल पर पहुंचकर अपना वोट दर्ज करा सकती है, यानी कि जनता का हर एक एक वोट उनके 5 सालों की किस्मत साफ तौर पर तय करेगा, क्योंकि 5 साल तक हम अपने चयनित प्रत्याशी को मौका देंगे कि वो उनके क्षेत्र का विकास करे। ऐसे में प्राइम टीवी सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि वो अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करने में एक अहम रोल अदा करें। तो 1 बजे तक फिरोजाबाद का वोटिंग परसेंटेज भी 33.33% रहा है, तो 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज भी अब लगातार सामने आ रहा है। वही वोटिंग परसेंटेज अगर आगरा की हम बात करें तो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अब आगरा से भी सामने आ रहा है। तो सुहानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और सुहानी कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी कर रही थी। जी सुहानी, क्या क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है मतदान स्थल के बाहर से? अपने अधिकार के वोट डालने, उनका कहना है कि जो परिसीमन के बाद जो लिस्ट जो नए वार्ड जुड़े हुए थे उनमें कहीं ना कहीं जो लोगों का नाम नहीं ऐड हुआ है और वो चुनाव देने से वंचित, वो वोट देने से अपना वंचित हो जा रहे हैं, तो उनकी ये शिकायतें तमाम वार्डों में ठीक है। ठीक है, हम तो सुहानी से दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। हमारा सुहानी से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज जो 1 बजे तक का है वो भी लगातार जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 9 मंडल के 37 जिलों में सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। तो एक बार फिर से सुहानी हमारे साथ जुड़ी है। जी सुहानी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मुल्तान जी, बिल्कुल ठीक है। सुहानी, तमाम कई ऐसे मतदान स्थल थे जहां पर दंगे की खबर आई है, जहां पर यह कहा गया है कि झड़प भी हुई है, तो जिस मतदान स्थल के बाहर आप मौजूद है वहां की मौजूदा स्थिति कैसी है? जी मुल्तान, आपको बता दें यहाँ पे कोई दंगे का कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अपनी जनता अपने अधिकार के लिए जो वोट कास्ट करने आई है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो परिसीमन के बाद जो नया जो वार्ड जो जुड़ा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हमारे नाम नहीं दिख रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत त्रुटियां ऐसी हुई है जिससे हम अपने वोट देने से वंचित रह गए हैं। और कहीं आप समझ सकती है कि निकाय चुनाव में एक जो थोड़ा जो वोट होता है वो बहुत ही मान्य रहता है और इसलिए जो अपने अधिकार के जो पार्षद उनको सही तरह से चुना वो उससे वंचित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने बहुत बड़ी ये गलती साबित हो रहा है। जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो चांद सिद्धि की, उनका भी यही कहना है कि ये बहुत बड़ी गलती है और इसे कहीं ना कहीं इस पे जांच करना चाहिए। ठीक है सुहानी, ये बड़ी चूक तो हुई है निर्वाचन आयोग से, तो क्या पीठासीन अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया गया इस पूरे मामले को लेकर? जी आपको बता दें मुस्कान की इस पे जो यहाँ के जो प्रत्याशी है जो भी वो लगातार इस पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकती हैं क्योंकि आधे टाइम जो है निकल चुका है, क्योंकि 7 बजे से ही पहला चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो गया था और इस बार अब जैसे 2 पहर का टाइम हो गया है, लेकिन जिसका भी इसमें नाम आया है वो लगातार यहाँ पे आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और जिसका भी नाम है वो खुशी के साथ अपने पूरे परिवार के साथ आके वो अपना वोट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि तो हुई है। और यहाँ जो प्रत्याशी है वो भी इससे बात करने के लिए जिला निर्वाचन अध्यक्ष उनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि अब इससे कुछ कार्रवाई हो सकता है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ जो कई वार्डों में ऐसी त्रुटियां देखने को मिल रही है। जी मुस्कान, ठीक है सुहानी, कई जो मतदान स्थल है वहां से ये भी तस्वीरें सामने आई कि जो दिव्यांग है उनके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, जो व्हील चेयर है वो मौजूद नहीं है, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था नहीं है, तो क्या जहां पर आप मौजूद है वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाएगी या फिर उस मतदान स्थल पर भी इन सब चीजों की कमी रही है?
जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो पूरे 10 जिलों में इस बार जो है 10 नगर निगम 37 जिलों में जिस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं पूरी तरह से जो सुरक्षा बल है जो पूरे मुस्तैद किया गया था। आपको बता दें कि तमाम जो जिसमें कोई ऐसा कार्रवाई ना किया हो, लेकिन वही बता दें विकलांगों के लिए, चाहे आप बूढ़े बुजुर्गों के लिए देख सकती हैं, तो जो भी है अपने जो अधिकार के लिए चुनाव तो देने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक जो छूट हुआ है और ये सब चीजों की जो व्यवस्था है वो नहीं उतना हो पाया है। लेकिन आपको बता दें कि इन चीजों को करने के लिए कहीं सरकार से इग्जाम नहीं लगा सकते, उन प्रत्याशियों को, उन वार्ड के प्रत्याशियों को इस पे काम करना चाहिए और उनको सीधे तौर पे अपने जो विकलांग उनके जो मतदाता है उनके लिए सुविधाएं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि वार्ड के जो प्रत्याशी है उनसे ये त्रुटियां हुई है और ये तमाम जो वार्डों में ये सब जो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे थे, हर एक मिनट की अपडेट प्राइम टीवी लगातार सुबह 7 बजे से ही आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वर्चस्व की भी लड़ाई है, पार्टियों के प्रत्याशियों की भी लड़ाई काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होना है। ऐसे में जो तमाम पार्टी है वो ये भापने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो जनता है वो किसके पक्ष में ज्यादा नजर आ रही है। यही वजह है कि निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट या यूं कहें कि सेमीफाइनल टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसके पहले चरण की आज सुबह 7 बजे से ही शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह 7 बजे से ही जो जनता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और वोटिंग परसेंटेज 1 बजे का भी अब सामने आ चुका है। तो तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का समय अब हो चुका है और इस 6 घंटे से ज्यादा के समय में जो जनता है वो लगातार अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान कर रही है, क्योंकि आगामी 5 साल को वो अपने प्रत्याशी के हाथ में अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपने वाली है। तो प्रयागराज से सीधा पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, वोटिंग परसेंटेज क्या है प्रयागराज का? जी बिल्कुल मुस्कान, आज नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज, चूंकि संगम नगरी प्रयागराज की चर्चा पूरे विश्व में होती है और आज नगर निकाय चुनाव के जब पहले चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में आज प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने भी अपने मत का यहाँ पर प्रयोग किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सार पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर सुबह से लेकर अभी तक पूरे मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो करीब नगर निगम और नगर पंचायत को अगर कुल देखा जाए तो करीब 22% के आसपास का जो मतदान है उसकी अभी तक एक सूची सामने आई है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा खासा होगा। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनकी जो धड़कने हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि जो अभी तक मतदान का प्रतिशत है वो अगर पूरे आंकड़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो आज सुबह से ही प्रयागराज का जो मौसम है वो काफी बदला हुआ है। सुबह करीब 6 बजे ही प्रयागराज के विभिन्न स्थानों में आज जोरदार बारिश हुई है और ऐसे में बदलते मौसम के बीच जो मतदाताओं की भीड़ है वो अभी तक मतदान केंद्रों पर नहीं देखी गई है, लेकिन देर शाम तक जो मतदान का प्रतिशत है वो प्रत्याशियों के लिए एक अच्छी खबर ला सकता है। तो जिस तरीके से पूरे प्रयागराज में कि हो सकता है कि शाम तक जो है वो वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन अतीक कश्यप हत्याकांड का केंद्र रहा वही प्रयागराज है जहां पर अब निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो क्या निकाय चुनाव के नतीजों में अतीक कश्यप हत्याकांड का असर देखने को मिलेगा या मतदाताओं की क्या राय निकल के आ रही है इस पूरे मुद्दे पर? जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए अभी अगर हाल ही की बात की जाए तो प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड का जो गूंज है वो पूरे देश ने सुनी और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अतीक अशरफ हत्याकांड का जो असर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम उसी क्षेत्र की बात करें जिस क्षेत्र में अतीक और अशरफ का घर है, तो उसी क्षेत्र में ही जो पर्दा नशी महिला है उनकी अच्छी खासी भीड़ अभी तक देखने को मिली है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड का जो असर है वो निकाय चुनाव पर कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा है। लेकिन देर शाम तक अब किस तरीके से जो मतदाता है वो अपने घरों से निकलेंगे, किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से इसकी जमीन तैयार की जाती है, निकाय चुनाव का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा महत्व दिखाएगा। ठीक है पवन पटेल, संगम नगरी यानी कि प्रयागराज वही जगह है जिसने देश को तमाम दिग्गज नेता दिए, ऐसे में अब उसी संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो किन किन प्रत्याशियों या यूं कहे कि पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखिए, संगम नगरी प्रयागराज का जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे विश्व पटल में
संगम नगरी प्रयागराज का अपना एक नाम है और पूरे विश्व में प्रयागराज का नाम लिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रयागराज व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसने देश के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से दिया है और तमाम जो देश के बड़े नेता है वो भी इसी प्रयागराज की धरती से आए हैं। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर इसी महत्व को देखा जाए तो कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना मत यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि उनसे कुछ देर पहले ही सर पश्चिमी से विधायक तथा उत्तर प्रदेश समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग किया है और उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की है। अगर बातें की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पे मतदाता है वो अपने घरों से निकल रहे हैं तो देर शाम तक निश्चित रूप से जो प्रत्याशियों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी। हालांकि आगामी 13 मई को जब मतगणना होगी तो किसके सर पर ताज बनेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं देर शाम तक प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी। पवन, लगातार सुबह 7 बजे से ही जो जनता के साथ तमाम दिग्गज नेता भी है वो अपने भी मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन कौन से दिग्गज नेता इस वक्त प्रयागराज में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं? अगर दिग्गजों की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी सहित तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। चाहे सांसद रीता जोशी की भी बात की जाए, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के जो मुख्य चेहरे हैं उन्होंने भी अपने मतदान का यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया है, लोगों से उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की है। तो देर शाम तक किस तरीके से मतदान होगा, क्या प्रतिशत होगा, वो आने वाला वक्त जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल के अपडेट साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव का रण अब लगातार दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी दिन चढ़ने के साथ ही लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुबह वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक आते आते वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है। तो 9 मंडल के 37 जिलों में सुबह से ही वोटिंग जारी है और निकाय चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है, वर्चस्व की लड़ाई है और कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज से लेकर लखनऊ और लखनऊ के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी निकाय चुनाव देखने को मिल रहा है, निकाय चुनाव का रण काफी दिलचस्प हो गया है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ गई है। सुहानी, निकाय चुनाव का रण जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है और आप लगातार जनता के बीच रही हैं, क्या लग रहा है किस पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? मुस्कान, बता दें आपको इस बार जानकीपुरम प्रथम वार्ड में है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें यहाँ पे तमाम जो जनता है उनसे हम बात करते हैं, आप वो अच्छे से बताएंगे कि इसमें टक्कर किसको देखने का क्या माहौल है यहाँ का। सर, आप जानकीपुरम प्रथम वार्ड से सर जनता को सर बताइए यहाँ पर किसका टक्कर देखने को मिला बीजेपी सपा से, क्योंकि सबका यहाँ पर इस बार रण है, तो किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? बोथ पार्टी BJP and Sapa both are facing problem, but natural. I suggest all voters please vote for development. जो कि आपके पालिका में या आपके वार्ड में सही ढंग का डेवलपमेंट दे सके, इसके पहले जो रहा उसको आप लोग देख चुके हैं, यदि उसके अच्छा डेवलपमेंट किया है तो उसको वोट करें, नहीं तो अपने नए का चुनाव करें। मैम, आप भी वोट देने आई हैं, आपका क्या मकसद था, क्या समस्या आपको वार्ड में देखने को मिला, मतलब तो कुछ क्या चाह, मतलब इस बार चेंजेस चाहती हैं या फिर वही तो कुछ ऐसा आपका मकसद होगा तो किस लिए आपको बताइए इसके बारे में? घूम रही हूँ, और ये सीवर में आई दिन मच्छर बहुत ही ज्यादा, हम लोग तो चाहेंगे मेन सड़कों का आप बताइए, आप आइए, कुछ अलग क्या सोच के आई थी, बाद में क्या क्या समस्या ऐसा था जिसका जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में बदलाव
आप क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या थिंकिंग है? कुछ तो आप देख सकती हैं मुस्कान किस प्रकार की, जो जनता है वो काफी चाहती है कि हमारे जो वार्ड में बदलाव हो और जो हमारे रोजमर्रा की चीजें जो परेशानियां होती है, सीवर नाली या ट्रैफिक रिलेटेड ऐसे तमाम चीजों को जो जनता अपना बदलाव चाहती है, और कहीं ना कहीं ये चीजें जो देखने को साफ मिल रहा है क्योंकि जानकी फिल्म प्रथम वार्ड में टक्कर जो है बीजेपी और सपा की पूरी तरह से देखने को मिल रही है। ठीक है सुहानी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन निकाय चुनाव के बीच